greetings and welcome to me and Taro. Our topic is आज की दिल की बातें. Yes, we're going to talk about this one and we have different objects in front of us. ठीक है, तो हम करने वाले हैं इससे रीडिंग की शुरुआत. ओके, तो सबसे पहले लेते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल और देखते हैं क्या है आज की दिल की बातें. ठीक है, चलो कुछ बातें उनसे ले लेते हैं, कुछ बातें आपसे ले लेते हैं. ठीक है, ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा रखता हूँ मैं साइड में ताकि शफलिंग थोड़ी सी ठीक से हो जाए. ठीक है, चलो देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. यस, सिर्फ तीन से चार कार्ड ही चुनेंगे. फर्स्ट ये भी आ गया, सेकंड और एक चुनते हैं थर्ड. ठीक है, और एक फोर्थ भी चुनते हैं. चलो आ गया चार कार्ड. तो आज की उनके दिल की बातें क्या हैं वो देखते हैं. पासिंग मोमेंट, वेल मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अपने ख्यालों में रहना चाहता है और अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है. मतलब ज़्यादा सोचने का नहीं, यू नो, इट्स लाइक जो फ़न है उसको एंजॉय करने का. आई थिंक द पर्सन जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है. हो सकता है ये पर्सन एरीज, लियो, सेगिटेरियस, यानी कि फायर साइन का हो या फिर एयर साइन का हो, जो कि हो सकता है जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस. आई थिंक टुडे इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने दिल की ख्वाहिशों को समेटना. देखो ये बहुत ही ज़रूरी होता है अंडरस्टैंड करना कि हर बार हमारे दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती. यू नो, हम चाहे कितना ही सोचें लेकिन सच बात यह है कि कई बार हमें अपने ख्यालों को मोड़ना पड़ता है. तो इससे बढ़िया है जो हो रहा है उसका मज़ा लो एंड बी हैप्पी. है ना, जैसे कि मान लो आपको कोई बहुत बड़ा पार्टी स्पीकर चाहिए लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो एटलीस्ट जो है उसमें तो मज़ा लो. यही बात आज इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है डिवाइन रिदम. डिवाइन रिदम या डिवाइन डांस जिसको हम कह सकते हैं, मतलब जो भी आज उनके जहन में आ रहा है या फिर जो भी चीज़ें उनके ज़िंदगी में आज घट रही हैं उनके प्रति संभावनाएं व्यतीत करना या फिर उनके प्रति खुश होना. यू नो, देखो डिवाइन जो भी हमें देता है, फिर चाहे हमारी परीक्षा ले या फिर यू नो हमारे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये पर्सन जो है वो डिवाइन रिदम से ही आगे बढ़ रहा है. मतलब अगर डिवाइन चाहता है कि ये डांस करे या फिर गुनगुनाए तो ये ज़रूर करेगा. मतलब डिवाइन जैसे कहेगा बस वैसे ही ये करना चाहता है. थर्ड जो कार्ड है, ओके, पांच कार्ड आ गए. ओके, चलो देखो थर्ड जो कार्ड है वह इमोशनल एक्सटेसी. तो मे बी ये पर्सन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता. ठीक है, तो समवेयर इसको लग सकता है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ माई बेटर हाफ. तो अगर वो आपको जानता है, आप उसे जानते हैं, तो ये आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर सकता है, लाइक आपसे कम्युनिकेट करना एंड आपको अपने दिल की बातें बताना. ये आज हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन. तो कहीं ना कहीं अगर आप उनसे कोई सवाल कर चुके हैं तो उनका जवाब देने में इनको काफ़ी आसानी होगी. यू नो, खासियत है उसमें उनकी. एंड जो नेक्स्ट कार्ड वो है मूड्स. तो यस, ये पर्सन जो है वो अपने मूड के हिसाब से चलेगा. मतलब जैसे अगर पार्टी का मूड है, गणपति जी आ चुके हैं, सो इट्स लाइक पार्टी करना है, फ्रेंड से घर जाने हैं या फिर ऑनलाइन दर्शन करना, तो ये सब ये अभी कर सकता है. तो समवेयर व्हाट इज एसेंशियल फॉर दिस पर्सन इज टू बी इन द रिदम. ओके, ये कहीं ना कहीं आज उनके लिए आ सकता है. ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो ओके, लेट्स कनेक्ट. ठीक है, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिल सकती है. चलो चुनते हैं कुछ कार्ड. तीन से पांच कार्ड, पांच चुने थे तो यहाँ से भी कुछ कार्ड चुनते हैं. वन, टू, ये भी आ चुका है. तो चलो तीन, चार, पता नहीं क्यों मुझे ये भी लगा. चलो पाँच कार्ड आ गए. ठीक है, तो चलो हमने पाँच ही कार्ड चुन लिए हैं. तो अब इन पाँच कार्ड से करते हैं रीडिंग. ठीक, पहला ये जो कार्ड है वो है द हर्मिट. आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली. देखो पहला ये जो कार्ड है वो हर्मिट आ चुका है और ये रिवर्स में है, रिवर्स एनर्जी. देखो हर्मिट रिवर्स में आ जाना मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि हमने देखा ट्विन फ्लेम मैसेजेस से, ये पर्सन की जो एनर्जी हो सकती है वो थोड़ी सी चल बिचल वाली हो सकती है. मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये पर्सन नहीं रख रहा है. अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. All this person is looking for is settlement, है ना. जैसे कि मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी मिल सकती है, दैट्स इट. बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं है, कौन सी ब्रांड की हैं, इसमें आके फैसिलिटीज मुझे मिल रही है ना गाड़ी, दैट्स इट. तो ये हो रहा है. हर्मिट जब पॉजिटिव आता है या फिर स्ट्रेट आता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं.
अगर कोई मुझे गाइड कर रहा है, लाइक हमने देखा कि जैसे कि चोपड़ा ने यू नो गोल्ड मेडल मिलाया, तो गोल्ड मेडल लाया उन्होंने, तो वैसे ही बाकी के लोग क्यों नहीं ला सकते, यू नो? तो क्या हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर क्या हमें बेहतरीन कोचेस की ज़रूरत है? तो समवेयर चीज़ें ऐसी जाती है, यू नो, कि क्या हम और कर सकते हैं, कितने ज़्यादा कोचेस हम फॉरेन से ला सकते हैं, उनके प्रोटीन डाइट के ऊपर कितना और मेहनत कर सकते हैं। तो इट्स लाइक एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड है टोटली रिवर्स में। ठीक है, होप यू कुड सी द कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड ये एनर्जी बहुत ही पैशनेट है, रिवर्सल में आ चुकी है, कोई नेगेटिव नहीं है। ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सेकेटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, ये तीनों राशियां हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे रिवर्सल में आ चुके हैं तो कंप्लीट सिंपल टास्क यहाँ पे आता है। ये पर्सन जो है वो अपने अंदर ही अपनी एनर्जी समा के रख रहे हैं। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर देयर आर गोना बी मोमेंट्स ऑफ पैशन एंड रोमांस, तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो सकता है। लाइक इफ़ यू किस्ड हिम अर्लियर एंड अगर आप आज उन्हें किस करते हैं तो आपको उनमें ज़बरदस्त एनर्जी महसूस होगी। इफ़ यू गोइंग टू डू सेक्सुअल एक्ट तो आपको यू नो इट्स लाइक यू विल फील वंस इन अ मिलियन काइंड ऑफ अ सेक्सुअल थिंग यू कुड फील अबाउट दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है उन्होंने अपने अंदर समा के रखी है, बहुत पैशनेट है लेकिन अंदर ही समा के रखे, किसी को बता नहीं रहे हैं। मतलब ना तो खुद आपको कॉल करेंगे ना ही आपसे पूछताछ करेंगे, लेकिन अगर किसी भी कारण से आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं एंड इफ समथिंग हैपेंस देन दिस पर्सन इज गोइंग टू शो हिज और हर ट्रू कलर्स। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स, डायरेक्टली इसके बाद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, अब इसमें से जब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो किंग ऑफ कप्स होना इज लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट एंड होल्ड ऑन टू योर इमोशंस। ओके, देखो हर एक के इमोशंस कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमें किसी के इमोशंस कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी बन सकते हैं। तो अगर ये पर्सन कोई वाटर साइन वाला है तो ये पर्सन इमोशंस मैनिपुलेट करेगा। अगर आप भी वाटर साइन के हो तो आप भी मैनिपुलेट करोगे। लाइक मे बी अगर आपको बाहर जाना है, परमिशन नहीं मिल रही है, फिर यू नो कोई आप बहाना बना सकते हो टू योर एम्प्लॉयर एंड लाइकवाइज। अगर ये आपको बहाना बना रहा है तो इट्स लाइक आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं इमोशनली कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ तुम्हें पता है एंड लाइकवाइज तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। तो इस तरह से बात करके इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश ये आज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो बहुत लग रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स, और ये एनर्जी रिवर्सल में आ चुकी है। अगेन इट्स वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। लाइक अगर आप फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सेगेटेरियस, या फिर अगर आप अर्थ साइन के हो, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। ठीक है, देखो अगर छोटी सी अगर हम रीडिंग निकालें, छोटा सा मतलब, तो ये है कि मे बी वो बस आपको देखना चाहते हैं। अब आपको देखना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके लिए 10 किलोमीटर का 200 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको बस आपको देखना है और अगर वो कोविड पॉजिटिव एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे आप जा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी रिस्की है। सेकेंडली आपको वो देखना चाहते हैं एंड फेस टू फेस मीटिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ द पर्सन वॉन्ट टू सी यू इवन दो एज लाइक बींग नेकेड ऑन द मोबाइल फ़ोन, तो क्या वो सही बात होगी? थर्ड जो मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रही है टू ऑफ कप्स रिवर्स में, मे बी द पर्सन कैन मैनिपुलेट यू, मे बी आपका रिश्ता काफ़ी सही चल रहा है और अचानक से अगर आपको मैनिपुलेट करके कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू सेक्सुअली इन्वॉल्व, तो ये कहीं ना कहीं पे एक यू नो मैनिपुलेटिंग वाली बात होगी जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, देखो अट्रैक्शन होना इज़ अ डिफरेंट थिंग जो कि अपने जगह पे काफ़ी हद तक सही है। जैसे कि यू नो आपको पता है कि तेंदुलकर का सचिन का कोई फ़ैन है, सचिन तेंदुलकर, और वो मतलब खोया हुआ सा रहता है, जब भी उसकी मैच है वो चला जाता है। इनफैक्ट तेंदुलकर खुद उसको कई बार टिकट्स देता रहा, लेकिन अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो वो पागल जैसा लगता है, इट्स लाइक ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, और ये होना कोई सही बात नहीं है। अगर आपको टिकट देख
के मैच देखनी है टिकट लेके, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन उसके लिए अगर आप अपनी एंगेजमेंट भी छोड़ रहे हो, अपनी फैमिली का कहना छोड़ रहे हो, इनफैक्ट आपकी कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम आ रही है, मे बी IPS, यू नो UPSC, या फिर लाइक आप उसको भी डॉच कर रहे हो और वहाँ पर जा रहे हो, तो ये गलत बात है। बस वहीं पे आई थिंक मुझे यहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन हो रहा है जो आपके लिए सही नहीं हो सकता। एंड जो फाइनल है वो है कप्स। वाओ, सभी कप्स ही आ चुके हैं, 6 of Cups चुके हैं रिवर्स। आई थिंक ये पर्सन दिखावा कर रहा है, यू नो, जो भी वाटर साइन का पर्सन है काफ़ी दिखावा कर रहा है। ये पर्सन आपको ऐसे दिखा सकता है कि आई एम योर बेस्टी एंड मैं तुम्हें जो भी कहूँगा हम तुम्हारे बेस्ट के लिए होगा, बट इट डजेंट मैटर। अब अगर एक फैक्ट कहूँ तो मे बी अगर सपोज ही इज़ अ मेल पर्सन और आप फीमेल पर्सन हो, and if the person does sex with you, pregnancy ka khatra kisko rahega, just imagine, okay? And also with the other things as well. To kahin na kahin ye baat yahan pe mujhe zyada lag rahi hai, if this person is going to be manipulative to ye aapke liye kafi khatarnak ho sakta hai। Halanki agar ye person you know, jaise ki fire sign mein bhi energy nikli ki ye person khud se communicate nahi karega, agar aap chahte ho to ye person se connect karega, to kahin na kahin agar ye fire sign wala person hai तो काफ़ी हद तक सही होगा, लेकिन अगर ये आज वाटर साइन वाला पर्सन है तो आपको इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, सो दैट योर रिलेशनशिप मेंटेन्स एंड नो इश्यूज। ठीक है, ये हो गए 3 एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मेनी थेरो।